पॉलीगन्स। पॉलीगन्स होते क्या है? पॉलीगन्स उन्हें कहते हैं, अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ थ्री और फोर सेगमेंट। अ पॉलीगन इज क्लोज फिगर मेड ऑफ थ्री फोर सेगमेंट्स। ठीक है, पॉलीगन वो क्लोज फिगर है जो मेड, जो बनती है थ्री और फोर साइड से। जैसे ये क्लोज होनी चाहिए फिगर, ये क्लोज फिगर है ए बी सी, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीगन। इट इज कॉल्ड पॉलीगन। और इसे कहते क्या है? ट्राइंगल। ठीक, अब नेक्स्ट, फोर साइड से, फोर सेगमेंट से कौन सी बनी होगी? ये होता है आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक, पी क्यू आर एस, तो ये भी क्या है? एक पॉलीगन। और इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्वाड्री लेटरल। ठीक, तो पॉलीगन समझ गए। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज फिगर होती है जो तीन और चार सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक, अब पॉलीगन देखते हैं क्या क्या है। आपको पता ही है, ट्राइंगल पॉलीगन है, ट्राइंगल। ठीक, फिर आ गया क्वाड्रिलेटरल, अभी बताया मैंने, लेटे रल ये होता है। ठीक, थर्ड पेंटागन। पेंटागन कैसे कहते हैं? जिसकी फाइव साइड होती हैं, दिस वन पेंटागन, थ्री फोर हेक्सागन जिसमें सिक्स साइड हो, हेक्सागन। एक साइड रह गई, सिक्स हो गई। ऐसे ही हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। ठीक है, हेक्सागन में कितनी होंगी? फाइव। इसके आगे जितनी होंगी, फाइव सिक्स, ऐसे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, समझ गए पॉलीगन्स। नेक्स्ट देखिए, पॉलीगन्स की डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन्स। ये एक पेंटागन है, इसमें डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल आपको पता है, अपोजिट साइड्स को मिलाने वाली जो साइड होती है, लाइन होती है, ये डायगोनल होती है। ये देखिए डायगोनल, ये वाला डायगोनल। इसमें डायगोनल कितना है? ए को सी से मिलाओ, ए सी, एक, ए को डी से मिलाओ, दो, बी को ई से, तीन। अब क्या बचा? बी को डी से, दो साइड को मिला रहे हैं, और सी को ई से। इसमें कितने डायगोनल हो गए? फाइव। जितने वर्टिसेस उतनी साइड। अब मुझे पता कैसे चलेगा? ऐसे तो मैं फिगर ही बनाता रहूँगा, पता कैसे चलेगा कि इसमें कितने डायगोनल है? इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये क्या होगा? एन एन माइनस थ्री अपॉन टू। ठीक है, और यहाँ एन क्या है? वेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक ठीक है, जैसे नंबर ऑफ साइड्स आ गई, मैंने इसको फिगर बना के इसके कितने डायगोनल निकले? फाइव। अब देखते हैं इस वाले फॉर्मूले से आते हैं नहीं आते हैं, देखते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स लगाओ जी, एन एन माइनस थ्री अपॉन टू। ठीक, अब एन बताया मैंने, नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड है? वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ रख दो फाइव, यहाँ फाइव इंटू थ्री, ठीक, अपॉन टू। तो फाइव इंटू टू अपॉन टू, टू से टू, कितने डायगोनल आ गए? फाइव। मतलब कि फॉर्मूला ठीक है और हमारा आंसर भी ठीक था। समझ गए नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं, ये हेक्सागन है मेरे पास, वन टू थ्री फोर फाइव, इन इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? कैसे पता लगेगा? जितने इसमें ट्राइंगल होते हैं उतने उन सबको प्लस कर लो। देखो कितने ट्राइंगल होंगे, चेक कर लो उनका सम क्या होगा इंटीरियर। ऐसे तो आप ट्राइंगल बनाते रहोगे, तो आपको इंटीरियर एंगल को सम देखने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एन माइनस टू इंटू 180, और एन इसमें सेम नंबर ऑफ साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं।
इसका एक एग्जांपल समझा देता हूँ, इंटीरियर एंगल का बताया नहीं मैंने कि इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, हेक्सागन है ये, हेक्सागन है एन माइनस टू इंटू 180, यही फॉर्मूला बताया मैंने। अब इसके नंबर ऑफ साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स रख दो, 6 × 2 × 180 तो क्या आ गया, 4 180 कितना आ गया, 720। मतलब इन सब का सम क्या आएगा, 720। ठीक, नेक्स्ट। अगर मुझे इन सब में एक एंगल निकालना है कि एक एंगल कितने का होगा, ये मैंने बताया नहीं, ए बी सी डी ई एफ, क्या ईच एंगल निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला एन माइनस टू इंटू वन, टोटल जितना आएगा, टोटल जितना आएगा उसमें एन जितने नंबर ऑफ साइड है उससे डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, ईच इंटीरियर एंगल की ये एक इंडिविजुअली कितने का है। देखो मैंने अभी निकाला 720 और नंबर ऑफ साइड कितनी है इसके, 6, यही आएगा। देख लेते हैं एक मिनट, कितने साइड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 − 2 × 180 साइड कितनी, 6, इसको इससे 30, 4 × 30 तो ईच एंगल कितने का आ गया, 120। मतलब ये सारे एंगल कितने के हैं, 120। तीन फॉर्मूले हो गए, अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। ये देखिए एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा, इधर देखेंगे तो ये होगा, इधर देखेंगे तो ये होगा, और इधर चले तो ये होगा, ये होते हैं एक्सटीरियर। अब ट्राइंगल में आ जाइए, एक्सटीरियर एंगल ये होगा, अगर ऊपर चलूँ तो ये होगा, ऐसे चलूँ तो ये हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इनका द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है उसके सारे एक्सटीरियर एंगल जितने भी होंगे, 1 2 3, इन सब के सम क्या आता है, 360। कहीं पे भी चला जाऊँ, इनमें भी चला जाऊँ, इन सब के क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल 360 का सम। अब ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, अब एक एंगल कैसे निकालेंगे, जितने 360/n, n वही चीज़ इसमें, नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं, 360/ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एक करके दिखाते हैं अभी इसका। ठीक, ये देखिए, यही देखिए यहाँ पे, ये इसका मुझे एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, ईच एंगल एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है। साइड कितनी है इसमें, 360/n होता है, इसमें साइड कितनी है, 3, 360/3, इससे डिवाइड करो तो एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल कितने के हो गए, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, चेक कर लेना आप। इसमें अगर चेक करने हैं नंबर ऑफ साइड्स कितनी रखूँगा, यहाँ देखो इस वाले में चेक करूँगा तो नंबर ऑफ साइड कितनी, 360/4, 4 से 90, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, अब मुझे एक्स नंबर ऑफ साइड्स देखनी है तो वो कैसे निकलेंगी, अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल पता है, मान लिया एक्सटीरियर एंगल 120 का है, तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे चेक करेंगे, 120 नीचे रख दो और इसमें से वो कर दो, तो कितनी साइड आ गई, 3, इसके एक्सटीरियर एंगल कितने आए थे, 120 का, और मैंने इसका मुझे एक्सटीरियर एंगल पता करना है, नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है, एक्सटीरियर एंगल पता है तो इसको डिवाइड कर दो, तो 3 आ गई। ठीक, ये देखिए पूरी एक्सरसाइज 12.2 ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है।